हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनिक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलोडीज के बारे में। कैसे आप मेलोडीज बना सकते हो, वो कैची मेलोडीज बना सकते हो। मेलोडीज बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है बेसिक म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज। अगर आपको बेसिक म्यूजिक थ्योरी नहीं आती है सो टेंशन मत लो, बिकॉज मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आपको बेसिक म्यूजिक थ्योरी आ गई है, आप सबसे पहले मेलोडी बनाने के लिए क्या लेते हो, एक FL कीज या फिर कोई भी पियानो की प्लगइन लेते हो, जिसके बाद आप एक पर्टिकुलर स्केल पे अपनी मेलोडीज को ड्रॉ करते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ ये चीज़ थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है तो आपको सुनने में कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये है मेरा एक प्रोजेक्ट। यहाँ पे अभी मैंने एक बीट बनाई थी, इसका ऑलरेडी वीडियो भी मैं लेकर आ चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, और कार्ट में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। एक बार इस मेलोडी को सुनते हैं, यहाँ पे पूरे ट्रैक को सुनते हैं। ये जो मेरी बीट थी वो थी जी शार्प माइनर पे। ये आप यहाँ पे मेलोडी वैसे देख सकते हो, ऑलरेडी वैसे मैं पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, मैं एक न्यू पैटर्न बना लेता हूँ, कुछ भी इसको नाम दे देता हूँ ट्राई, एंड यहाँ से मैं FL कीज अगेन ड्रॉ करूँगा, ऐड करूँगा, इसको कर दूंगा पेस्ट। सो यहाँ पे क्या है, ये मेलोडी जो सेम मेलोडी अभी आप सुन रहे थे, ये आ चुकी है पियानो की साउंड में, पहले वो पियानो की साउंड नहीं थी। एक बार सुनते हैं अब कैसी साउंड कर रही है। पहली ट्रिक आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है, यहां पे जाना है, बेसिक म्यूजिक थ्योरी आपको आती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पॉलिश करने के लिए, कहीं गलती ना हो जाए, थोड़ा सा सेफ रहने के लिए हम यहां से आएंगे, व्यू पे आएंगे, और उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे एक ऑप्शन होता है स्केल हाईलाइटनिंग। अब यहां पे आपने स्केल चूज कर लो, आप देख सकते हो यहां पे ये है F शार्प माइनर पे सेट है, मेलोडिक माइनर पे, लेकिन मेरा जो स्केल था बीट का वो मैंने आपको बताया था जी शार्प माइनर। यहां से फिर आएंगे व्यू, स्केल हाई लाइटनिंग पे आप देख सकते हो जी शार्प हो गया है, लेकिन यहाँ से हमें चूज करना है अब कौन सा स्केल है हमारा, मेजर है या फिर माइनर है। सो मेरा माइनर है, मैंने आपको बताया था, सो यहाँ से मैं नेचुरल माइनर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जी शार्प यहाँ पे आ गया है, दैट मीन्स ये शो कर रहा है हमारा जो स्केल सिलेक्ट है वो है जी शार्प। माइनर या मेजर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से जस्ट आपको पता चलेगा कि जी शार्प सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे जी शार्प माइनर हमने चूज करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोट्स है, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लैक वाला है और जो वाइट कीज है उसमें वाइट और ब्लैक का वो है डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल हाईलाइट हुआ पड़ा है। जितने भी नोट्स आते हैं जी शार्प माइनर में वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से लाइट हुए पड़े और बाकी थोड़े से ग्रे हुए पड़े हैं। जो ग्रे हुए पड़े हैं दैट मीन्स वो हमारे स्केल में नहीं आते हैं, हमें वही चूज करने हैं जो हमारे को यहाँ पे लाइट में दिख रहे हैं। आप देख सकते हो जी शार्प के आगे ये लाइट है ना, ये पूरी लाइन आप देख सकते हो। सो सारे नोट्स आप देख सकते हो वो लाइट वाले जो हैं, लाइट वाले जो नोट्स हैं उसी पे हैं। सारे नोट्स मेरे वहीं पे आए हैं जो हमारे स्केल में हैं, इस तरीके से ये साउंड कर रहा है। अब एक चीज़ और है, अगर हम इसको सुनते हैं ना तो काफ़ी ड्राई सा साउंड कर रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप सेम मेलोडी बनाओ या फिर मैंने ये सेम मेलोडी बनाई पियानो पे, लेकिन फिर भी मैं उस टाइप से आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ कि यार इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करें, क्या ये मेरी बीट के साथ सूट करेगा। एक काम करते हैं, एक बारी इसको हम यहाँ से इस पैटर्न को लगा देते हैं, एंड ये जो था इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ऑफ, म्यूट कर दूंगा, सुनते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेलोडी है वो काफी मतलब फीकी फीकी सी साउंड कर रही है, एस सच बीट के साथ इतना कुछ उसका इंटरेस्टिंग चीज नहीं बन के आ रही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे जो मेलोडी है वो सेम है, जस्ट मैंने यहाँ पे पियानो को यहाँ पे रिप्लेस करा है, वहाँ पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी साउंड है, एंड यहाँ पे पियानो है। तो एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ट्रेडिशनल जो वे है कि हम जो मेलोडीज ड्रॉ करते हैं वो पियानो की प्लगइन ले लेते हैं, FL कीज ले लेते हैं या फिर कोई और पियानो की प्लगइन ले लेते हैं, उस पर मेलोडी को बनाते हैं। तो हो सकता है उस तरीके से अगर आप करो सो यहाँ पे आपकी ओवरऑल बीट के साथ वो इतने अच्छे तरीके से जेल अप ना हो, बिकॉज वो पियानो की साउंड,
मोस्टली मैं भी जितना भी मैं कॉर्ड्स या फिर पियानो के जितने भी मिडीज वगैरह ड्रॉ करता था वो सारी पियानो पे ही करता था, पियानो प्लगइन ही लेता था, पहले मैं पियानो साउंड ही लेता था। लेकिन यहाँ पे इस बार मैंने रियलाइज़ करा कि अगर हम कोई ऐसी प्लगइन्स लेंगे जिसमें प्रीसेट्स बहुत ज़्यादा है, लाइक आप नेक्सस ले सकते हो, हीटअप 3 ले सकते हो, एनालॉग लैब ले सकते हो, ये तीन प्लगइन्स आप देख सकते हो बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स आपको मिलते हैं। सो यहाँ पे मैंने एनालॉग लैब का ही यूज़ करा है, मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एनालॉग लैब को यूज़ करा है, बट आप कहोगे ये सारी प्लगइन्स तो पेड हैं, हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो मैं आपको एक और भी चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने इस पैटर्न पे, ये है हमारा ट्राई वाला पैटर्न, प्ले करा देता हूँ एक बारी। अब यहाँ पे FL स्टूडियो में ही एक प्लगइन है जिसमें हमें मिलियंस ऑफ प्रीसेट्स मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री, मतलब वो एक स्टॉक प्लगइन ही है। यहाँ से मैं करूँगा इसको रिप्लेस एंड यहाँ पे मैं आऊँगा ऑटो गन, गोली चल जाएगी। आप देख सकते हो बड़ी अजीब सी प्लगइन है, लेकिन अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ मज़ा नहीं आया ना, कोई नहीं। यहाँ से आप प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क पे आओगे आप देख सकते हो करंट प्रीसेट नंबर, माय गॉड मतलब 000 अगर मैं गिनने बैठूँ तो मिलियंस हैं, पता नहीं बिलियंस हैं, कितने सारे प्रीसेट्स हैं इसमें। एक प्रीसेट अच्छा सा चूज़ करते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रीसेट मिला है कॉर्ड 5, ये साउंड मेरे को अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं भूल गया था, फ्लेक्स भी यहाँ पे हमें एक मिलता है प्लगइन, लेकिन जितने प्रीसेट्स इसमें मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नंबर है, नंबर आप यहाँ से देख ही सकते हो। मतलब बहुत ही अंडररेटेड प्लगइन है, मैंने भी इसको अभी थोड़े टाइम पहले ही डिस्कवर करा है। पहले पता था कि प्लगइन है, यूज़ कभी नहीं करा था। सो जैसे ही मैंने इसको देखा मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नॉलेज मिली होगी। जस्ट एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि जब भी आप मेलोडीज़ को बना रहे हो हमेशा आप पियानो की साउंड लेते हो, सो उसी पर डिपेंड मत रहना, कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे ट्राई करके देखना, बिकॉज जो साउंड्स है जैसे ही डिफरेंट होगी साउंड आपकी मेलोडी का लेवल एक अनदर लेवल हो जाएगा, वो साउंड एकदम ही चेंज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।